नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाइडेड मेडिटेशन की। आप डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव में हो तो आपको इस मेडिटेशन को जरूर करना चाहिए। दूसरों को पहचानना आसान है पर खुद को पहचानना मुश्किल है। कबीर दास ने इसलिए कहा था, जो तिल में माई तेल है, जो चकमक आग, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हम अपनी खुशी को बाहर ढूंढते हैं, ये सभी खुशियाँ हमारे अंदर ही स्थित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अपने अंदर ही है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान की ऐसी प्रक्रिया कराऊंगा जो आपका पूरा दिमाग माइंड रिलैक्स हो जाएगा। रिसर्च के अनुसार ध्यान के अभ्यास से चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस ठीक होने लगते हैं। हमारी याददाश्त अच्छी होने लगती है। जो हमें हासिल करना होता है वो हमें सहजता से मिलने लगता है। तो अब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ शांति व अच्छा वातावरण हो, आपको वहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप योग आसन या कुछ योगा मैट, कुछ कुशन पर पालथी मार कर बैठ जाइए या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, अपने हाथों को घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रख ले। अब आप अपने अंदर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। धीरे धीरे आप अपने अंदर के एनर्जी को पहचानने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अपने ध्यान को अपने किसी भी शरीर के पार्ट्स पर रख सकते हैं, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर सके। आप उस बिंदु पर लगातार देख रहे हैं। आपका शरीर ढीला हो रहा है, आपका मन एकाग्र हो रहा है, तेजता के साथ या आनंद के साथ कॉन्सेंट्रेट करते रहे। एक गहरी सांस अंदर ले और धीरे से सांस बाहर छोड़े। एक बार पुनः गहरी सांस अंदर ले, धीरे से सांस बाहर छोड़े। आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। एक एक मांसपेशियां शिथिल हो रही है। अब आप पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत होने लगा है। अब आप अपनी चेतना को सांसों के ऊपर लगाए अंदर आती हुई सांस को देखिए, बाहर जाती हुई सांसों को देखिए। और कोई सजेशन नहीं देना, मन को कोई भावना नहीं रखनी, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें चलती रहे, सांसें चलती रहे। आपका मन बार बार भटकेगा, यह अभ्यास आपके लिए नया है, कोई परवाह नहीं करनी है। आपका मन भटकता है तो आप जो ही मन को सांसों के ऊपर वापस ले आए, अपनी सांसों को देखते रहिए। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, सांसों की गति को बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पास या भूतकाल बीत चुका है और अपने ध्यान को भविष्य में भी ना लगाओ, वहाँ पर चिंताएं हैं। अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट पर लगाओ। जिस समय आप मेडिटेशन ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति में आप अपने शरीर पर ध्यान लगाएं। अभी आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
अपनी सांसों के ऊपर फोकस करें, सांसों के एक साथ एक हो जाए। इस विश्व का समस्त ज्ञान आपके अंदर समाहित है और इसका रास्ता है आपके ज्ञान को केंद्रित करना है। चाहे पुराण हो या कुरान हो, इसकी रचना इंसान के अंदर से हुई है। इंसान के अंदर की जो दिव्य शक्ति है उसको इसने बाहर लाया है। ज्ञान के सारे ना सिर्फ हम अपनी बीमारियों को कम करें, ना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी हासिल कर रहे हैं। हम सारी नेगेटिव एनर्जी को डिस्टोर्ब कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं। हम अपने समस्त ज्ञान को जगा रहे हैं। आंखें नहीं खोलनी है आपको, 15 मिनट का आंखें बंद ही रखनी है। आपको अंदर ही अंदर अपने ज्ञान को पहचानना है। आपका मन भटक रहा है तो अपने मन सांसों के ऊपर ठिकाना है। आप इस धरती पर आए हो तो अपने आप से मिलने के लिए आपने संसार में सबसे मुलाकात करी, पर आप उससे न मिल पाए। आज भी मौका है, आप खुद से मिलो। देखो अंदर कितना अंधेरा है, देखो अंदर कितनी अव्यवस्था है। आपके शरीर के अंदर जो डिस्टर्बेंस है ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपके अंधे मन को आपकी जरूरत है। आज आपको अंधे मन की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपका अंतःकरण, आपका मन शुद्ध हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। अब ये समय है ना कि आप अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, आप अपने आत्मा को निर्मल कर रहे हैं। सिर्फ आप और आपके मन को अपनी सांसों के ऊपर लगाए। जीवन क्षणभंगुर है, क्या पता मौत आपके सामने हो। तो इसलिए आप अपने ध्यान की ओर एकाग्रचित रहे। आपको ध्यान रोज करना है, चाहे सुबह या शाम। जब भी आपको टाइम मिले उस समय आपको ध्यान करना है, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानना है। यही एक इनर एनर्जी है। आप दृढ़ संकल्प लेंगे तो आप और आपकी सांसें निरंतर चलती रहेगी। जन्म के पुण्य बाद, कितने ही जन्मों के पुण्य के बाद आपने आपसे मुलाकात कर रहे हैं। किसी फकीर ने क्या खेल खेला है तो अभी भी मुझे पैसों में, दुख में, खुशी की छाया में उलझाया रखा है। आज ये मौका है आपके पास ज्ञान की खेची से इन सारे जालों को काट डाले और अपने आप से मिले, ज्ञानी बने, अपने अंदर की एनर्जी को पहचाने। सिर्फ अपने शरीर को देखते रहिए और अपने सांसों को ऊपर दृष्टा बन जाए। सांसों से हट नहीं करना। आपका मन भटके तो सांसों के ऊपर ले आए, क्योंकि आपका मन बहुत चतुर है, चालाक है। आपकी इंद्रियों की तरफ भागता रहता है, तो आप अपने मन को कंट्रोल करें और एकाग्रचित करें। आज का ये समय सिर्फ आपके लिए, आपने दूसरों की बहुत सेवा कर ली है। आज ये वक्त है आप अपनी सेवा करें। बस अपनी सांसों के साथ बने रहे, आप अपने आप को देखते रहे, अपने अंदर
फूट रही आनंद की लहरों को देखें, आपके अंदर इतनी खुशियां है कि आप बाहर की खुशियों को भूल जाओगे। जिस आनंद और खुशियों को बाहर ढूंढ रहे थे वो बाहर है ही नहीं, इसलिए हर जगह आपको धोखा मिला है। अब ये वक्त है इनसे बाहर निकलने का। अब अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रख ले। जो आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान को कंसंट्रेट किया है, पूरे शरीर को ऑब्जर्व किया है, आपके पूरे शरीर को आपने स्कैन किया है, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने खुश हो, आप संसार की मोहमाया से कितने दूर हो, आप अपने शरीर को पहचान चुके हो। आपको ये गाइडेड मेडिटेशन रोज करना है। तो दोस्तों, अब आप अपने शरीर को पूरी तरीके से पहचान चुके हैं और ये संकल्प ले कि चाहे मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, मैं अपने काम में थोड़ा कम समय लगाऊंगा, पर मैं 10 या 15 मिनट ध्यान का अभ्यास जरूर करूंगा। ये 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप सफल बने, आप कामयाब बने, आपकी सारी खुशियाँ, आपके सपने हकीकत में बदले। आप सभी खुश रहे, आप दूसरों को भी खुश रखे, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको देखते ही मुस्कुराए। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आपकी मुस्कुराहट से सब खुश रहेंगे। अब धीरे से आप आसपास की आवाज़ों को सुनते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए और अपने आप को आप पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भर दीजिए। आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है, आप अपनी पूरी खुशियों को फील कर चुके हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेकर। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।